गोंडा में जिले कटरा बाजार थाना क्षेत्र के राकेश कुमार निवासी तिलका डीहा के ठगों ने टावर लगवाने के नाम पर 6,90,000 रुपए ठग लिया। पीड़ित ने कटरा बाजार थाने में नरेंद्र निवासी भगहर, दिलीप तिवारी निवासी चांदपुर थाना कोतवाली देहात के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित राकेश कुमार होमगार्ड हैं और टावर के नाम पर ठगी का शिकार हो गए। ठगों की कई मोबाइलें बंद हो गई तो डीआईजी एपी सिंह ने मिलकर के न्याय की गुहार लगाई। कटरा बाजार थाना क्षेत्र के पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भैया आपका क्या नाम है और किस थाने से हो, क्या मामला है? जी हमारा नाम राकेश कुमार है, मैं कटरा थाने से हूँ, ग्राम तिलका डीहा है हमारा। क्या मामला है? ये मामला टावर लगवाने के लिए हमारे यहाँ पहुँचे दो आदमी और हमसे बोले कि यहाँ नेटवर्क नहीं है, मतलब यहाँ टावर लगवा दें। हमने कहा भैया लगवा दीजिए। इसी के नाम से फिर ये ठगने लगे, हमें पैसे लेने लगे। फिर ये हमसे 6,90,000 लिए, आधा पैसा तो वैसे ले लिए, लगभग 3,80,90,000 हमसे लिए हाथों हाथ। फिर रास्ते में आकर के लेते रहे, फिर उसके बाद में हमारे पास 3,00,000 का लगभग स्क्रीनशॉट है खाते पर लिया, दूसरे खाते पर। ये लगभग 6-7 लोग हैं, राज बहादुर ओझा हैं इसमें ये है राजकुमारी हैं, एक सूरज गुप्ता हैं, एक यादव जी हैं, राम स्वरूप यादव हैं। ऐसे ऐसे करके लगभग 6-7 लोगों के खाते पर लिए पैसा। और मतलब फिर इनका हमने जब पता लगाया, 6 सिम चला रहे थे और एक एक करके सारी सिम इनकी बंद हो गई, सारी सिम लेडीज के नाम थी। हमने जब पता लगाया, इनका पता नहीं लगने लगा, तब इनको खोजने लगे। खोजते एक दिन ये हमें भगहर के पास में मिले, सूरज गुप्ता के यहाँ जा रहे थे पता लगाने। फिर ये रास्ते में हमें टकरे, फिर हम इनको पकड़े, जब तब वहाँ से बनघुसरा बैंक लेकर आए, बोले कि हम यहाँ लोन पास करा रहे हैं, फिर उसके बाद में आपका सारा पैसा रिटर्न कर देंगे 26-27 तारीख में। हमने कहा चलिए एक टाइम लेना है तो ले लो, नहीं तो यही कहानी चल रही थी लगभग 2 महीने से। फिर आज देंगे कल देंगे यही करते करते जब आखिरी चांस आया, जब इनको पकड़े, तब ये बनघुसरा बैंक लेकर आए, वहाँ बोले कि यहाँ पैसा पास करवा रहे हैं, 26-27 में पैसा पास हो जाएगा, आखिरी चांस हमें 1 तारीख तक दे दीजिए। हमने कहा चलिए ठीक है, हम आखिरी चांस पैसा नहीं मिला तो क्या आप माने क्या कार्रवाई? फिर 1 तारीख हमें पैसा नहीं मिला, हम जब इनके पास फोन किया कि भैया पैसा हमारा क्या हुआ, आप बुलाए थे कि मतलब 11 बजे दे देंगे, नहीं दिया। तब इनके पास पूछा, तब ये बोले कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा हमारा उसमें चल रहा है, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपसे पैसा भी नहीं दिया महिला के साथ आपके खिलाफ? हाँ, ये नेहा के नाम से हमारे खिलाफ अप्लीकेशन आया हमारे थाने पर। 31 को पहली को पैसा लेना था, 31 को हमें अप्लीकेशन मिला। फिर हम थाने पर गए, बताए सारे हाल सुनील यादव जी को, दरोगा जी को, फिर बताया कि ऐसा ऐसा है। आपने तहरीर कहाँ दिया? तहरीर हमने यहाँ आए कोर्ट में, फिर यहाँ तहरीर हमने एडिशनल साहब को दिया। पहली तहरीर एडिशनल साहब को दिया, कप्तान साहब के यहाँ गए थे तो वो उठ गए थे, एडिशनल साहब को तहरीर दिया, उन्होंने मुकदमा नहीं लिखा गया था। फिर हम उसके 2 तारीख का बात है ये, फिर 3 तारीख को हमने उस दिन नहीं हुआ, फिर 4 या 5 तारीख को हम डीएम साहब के यहाँ पेश हुए, उसके बाद में डीआईजी साहब के यहाँ पेश हुए। डीआईजी के आदेश से आपका मुकदमा दर्ज हुआ? डीआईजी साहब के आदेश से हमारा मुकदमा हमारे थाने में दर्ज हुआ। इसमें ये लगभग 5 लोग धोखा करते रहे, 2 लोग का नामजद था, बाकी 3 लोग नहीं पता है। आप पहले जानकारी नहीं किए कैसे पहले पैसा क्या कहीं ज्ञापन ज्ञापन किया था टावर के लिए? नहीं, ये सब नहीं हुआ था, दिलीप तिवारी साथ में थे, हम सोचे कि मतलब ये हमारे रिलेशन के हैं गांव के, इसलिए हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। जब हम दिलीप तिवारी के यहाँ पता किया, उन्होंने कहा विश्वास में आपके आपने पैसा दे दिया? विश्वास में दे दिया, दिलीप तिवारी साथ में थे। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज हो गया है, हमारा पैसा हमको दे दें, फिर हमारा इनका मतलब कोई नहीं है, ये लोग जेल जाएं। हाँ, ये लोग जेल जाएं और ऐसे दूसरों लोगों को ठगी मत।